प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय में निकाला गया नगर कीर्तन। श्री गुरु नानक देव का 554वां जन्मोत्सव जिले भर में श्रद्धाभाव के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यालय से जिले के अन्य स्थानों पर बने गुरुद्वारों में आकर्षक भजन कीर्तन के अलावा भक्तजनों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म माह की वजह से कार्तिक माह को सिख धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन प्रभात फेरी उन्हें मानने वाले अनुयायी निकाल रहे हैं। शनिवार को नियत कार्यक्रम के अनुसार पंजाबी गुरुद्वारे गुरु नानक वार्ड से नगर कीर्तन आरंभ हुआ, जो कि बाहुबली चौक से होते हुए संकीर्तन पाल पंप से नगर पालिका चौक बस स्टैंड होते हुए सिंधी कॉलोनी स्थित भक्तिधाम पहुंचा, जहां से पुनः संकीर्तन में शामिल यात्री पंजाबी गुरुद्वारे में पहुंचे। इस दौरान अनेक स्थानों पर राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों व श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष राजा भाटिया से मिली जानकारी अनुसार आगामी 27 नवंबर की सुबह गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर पंजाबी गुरुद्वारे में प्रातः काल से ही भजन कीर्तन आरंभ होगा। अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी आरंभ हो जाएगा। शनिवार 25 नवंबर को सिंधी कॉलोनी स्थित भक्तिधाम को चकरभाटा झूलेलाल मंदिर के पीठासीन संत साईलाल दास का आगमन हुआ, जहां सत्य सिंह एवं भजन संध्या आयोजित की गई। भक्तिधाम में 26 नवंबर की सुबह अरदास के बाद सत्य सिंह भंडारा रखा गया है। इस दौरान जितेंद्र महाराज के सत्य सिंह का आनंद भी श्रद्धालु ले सकेंगे। गुरु नानक जयंती के अवसर पर भक्तिधाम सिंधी कॉलोनी में प्रातः 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद सुबह 8 बजे वाहन रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पंजाबी गुरुद्वारा होते हुए पुनः भक्तिधाम पहुंच समाप्त होगी। इसी दिन भक्तिधाम 10 बजे सुबह अरदास, 11 बजे सत्यनारायण कथा के उपरांत सिद्धांत सागर पाठ साहिब का भोग होगा। शाम 5 बजे गुरु नानक साहिब की शोभा यात्रा सिंधी कॉलोनी के सभी मार्गों से भ्रमण करेगी।